राष्ट्रपति चुनाव पर घमासान जारी। मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों में किसका पलड़ा भारी? राष्ट्रपति चुनाव में कौन मारेगा बाजी? दोनों ही दलों की उठापटक जारी। विपक्ष और एनडीए समीकरण साधने की कर रहे हैं तैयारी। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ इसकी सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को विपक्षी पार्टियों ने तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया, तो वहीं भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में दोनों में से किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है। विपक्ष ने काफी विचार विमर्श के बाद यशवंत सिन्हा को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया। विपक्ष ने पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए उतारा, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद बनर्जी ने यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया और उस पर संयुक्त सहमति बन गई। विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा पर चल दिया बड़ा दांव। दरअसल यशवंत सिन्हा 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए और 1986 में जनता पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव बने और 2 साल बाद सांसद बनकर राज्यसभा पहुंचे। उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए और 1996 में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बने। साल 2018 में लंबी नाराजगी के बाद वो भाजपा से अलग हो गए और पिछले साल मार्च में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी का दामन थाम पार्टी में शामिल हो गए। आखिर क्या है यशवंत सिन्हा की आईएएस से राजनेता बनने तक की पूरी कहानी? चलिए आपको बताते हैं कि यशवंत सिन्हा दरअसल राजनीति से पहले आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। सिन्हा पहली बार 1998 में पहली बार लोकसभा सांसद बने थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 1990 से लेकर 1991 तक चली सरकार में भी वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी महिला पर चला दिया बड़ा दांव। आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू? चलिए अब आपको बताते हैं विपक्ष के उम्मीदवार के बारे में। दरअसल विपक्ष के उम्मीदवार की घोषणा करने के कुछ देर बाद ही एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेल दिया। उनके नाम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुर्मू एक महान राष्ट्रपति अवश्य साबित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी कहती हैं कि विकास देश के आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।